कलर्स टीवी का मच अवेटेड शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 2 जुलाई यानी कि सैटरडे से हो चुका है ऑन एयर। लेकिन इस बार शो में कुछ ऐसा हुआ जो ज्यादातर रियलिटी शोज में नहीं होता। वेल, आपको बता दें कि शो के पहले ही हफ्ते में हो चुका है एलिमिनेशन। जी हाँ, पहले ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में रोहित शेट्टी ने सारे ही कंटेस्टेंट्स को दे दिया एलिमिनेशन का झटका। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कंटेस्टेंट पहुंच चुके हैं डेंजर जोन में और इसी के साथ किस किस का पत्ता हो चुका है शो से साफ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ लवी चौधरी। वेल, बात करें अगर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बस बना हुआ था शो को लेकर, लेकिन अब 2 जुलाई को फाइनली शो ऑन एयर हो गया और पहले ही एपिसोड को काफी अच्छी टीआरपी मिली। इनफैक्ट फैंस को काफी पसंद आया, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं सारे ही कंटेस्टेंट्स। लेकिन इस बीच जो स्टंट हुए वो भी काफी ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन इस बार के कंटेस्टेंट्स भी कुछ कम नहीं है और सारे स्टंट्स ने जमकर पंगा भी रहे हैं। वेल, इस बार तो कुछ कंटेस्टेंट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि रोहित शेट्टी को इम्प्रेस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि कोई भी स्टंट होता है तो उनमें से किसी एक ही बंदे को सेव किया जाता है, लेकिन यहाँ पर रोहित शेट्टी अपने कंटेस्टेंट से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक साथ ही 2 कंटेस्टेंट्स को कर दिया सेफ। वेल, आपको स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो स्टंट हुआ था वो हुआ था अनेरी वजानी और स्मृति झा के बीच, जिसमें स्मृति झा ने जीत कर अपने आप को सेव कर लिया और यहाँ से अनेरी हो चुकी हैं डेंजर जोन में शामिल। जी हाँ दोस्तों, पहले एपिसोड में स्मृति झा थी डेंजर जोन में और उनको फियर फंदा मिल गया था, लेकिन दूसरे एपिसोड में स्मृति ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उन्होंने अनेरी को मात देते हुए खुद को सेफ कर लिया और यहां से अनेरी को फियर फंदा मिल गया। इसके बाद बात करें अगर दूसरे स्टंट की, तो दूसरा स्टंट हुआ जन्नत जुबैर और चेतना पांडे के बीच, लेकिन यहां पर चेतना ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और जन्नत जुबैर को मात दे दी, जिसके बाद जन्नत को मिल गया फियर फंदा। उसके बाद जो तीसरा स्टंट हुआ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें एक ट्विस्ट था और ट्विस्ट ये था कि उसमें 3 खिलाड़ी थे और तीनों ही खिलाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उन तीनों खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ने स्टंट शुरू होने से पहले ही हार मान ली, जो थी अरिका पैक्यार्ड, जिसकी वजह से वो वहां से ही डायरेक्ट डेंजर जोन में पहुंच गई। वहां पर बचे हुए 2 खिलाड़ी थे तुषार कालिया और मोहित मलिक। तो अरिका के बाद में ये बचे हुए दोनों खिलाड़ियों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और एक दूसरे को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन भी दिया। इनफैक्ट इन दोनों कंटेस्टेंट्स ने रोहित शेट्टी को इतना ज्यादा इंप्रेस कर दिया कि यहां पर रोहित को केवल एक ही खिलाड़ी को सेव करना था, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, जिसके बदले रोहित ने यहां पर दोनों के हाथ से फियर फंदा निकाल लिया और दोनों ही हो चुके हैं सेफ। तो यहां से अरिका, जन्नत जुबैर और अनेरी वजानी जाती हैं एलिमिनेशन वाली लिस्ट में, जहां पर एक बार फिर से उन तीनों के बीच में घमासान टक्कर होती है अपने आप को सेव करने के लिए। लेकिन यहां पर भी अरिका एक दूसरे से और इन दोनों कंटेस्टेंट से हार गई, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इस मगरमच्छ वाले टास्क में हार मान ली। वेल, आपको बता दें जो ये लास्ट वाला स्टंट था काफी ज्यादा डेयरिंग था, क्योंकि इसमें ताले से बंद कर मगरमच्छ को, जो कि भूखे थे, उनको खाना खिलाना था, वो भी पानी के अंदर। तो इस स्टंट में जन्नत जुबैर और अनेरी वजानी ने काफी अच्छा कंपटीशन किया और एक दूसरे को मात दी, लेकिन यहां पर ये दोनों बच गई, अनेरी वजानी और जन्नत, और यहां से एलिमिनेशन लिस्ट में शामिल हो गई अरिका पैक्यार्ड। तो यानी कि पहले हफ्ते में एलिमिनेशन में जो शामिल हुई है वो है अरिका। इसके बाद शो से उनका पत्ता साफ हो गया है, अब देखना होगा कि उनकी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री होती है या नहीं। लेकिन पहले ही हफ्ते में एलिमिनेशन हो जाना काफी ज्यादा ट्विस्ट था और फैंस को ये ट्विस्ट काफी शॉक कर गया, क्योंकि ऐसा अक्सर रियलिटी शोज में नहीं होता, एटलीस्ट पहले हफ्ते में तो नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अरिका ने किस तरह से परफॉर्म किया था, क्या वो सच में एलिमिनेशन लिस्ट में शामिल होने के लायक थी या फिर बाकी के दोनों कंटेस्टेंट्स ने काफी अच्छा कंपीट करके उनको भेज दिया एलिमिनेशन के लिस्ट में। इसके साथ ही अपना फेवरेट कंटेस्टेंट भी हमें जरूर बताइएगा और फिल्म बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।